अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सह मगध प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, पूर्व मंत्री बिहार सरकार जी एस रामचंद्र दास, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर हामिद हुसैन, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, प्रोफेसर अरुण कुमार प्रसाद, अशोक सिंह, अमरजीत कुमार, धीरेंद्र कुमार, सुरेंद्र मांझी, श्रवण पासवान, युगल किशोर सिंह, विद्या शर्मा, शकलदेव चंद्रवंशी, कृष्णा प्रकाश आदि ने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से इस वैश्विक महामारी में भी मगध प्रमंडल के एकमात्र कोरोना वायरस डेडिकेटेड अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज परिसर एवं गया सिविल सर्जन आवास परिसर में वर्षों से मिनी अस्पताल की सुविधा से लैस एम्बुलेंस क्यों सड़ रहा है, इसकी अविलंब जांच करा दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि गया के पूर्व सांसद श्री हरि मांझी ने अपने संसदीय फंड से सुदूर ग्रामीण इलाकों के लोगों की सुविधा इलाज करने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपए में 3 चलंत मिनी अस्पताल एम्बुलेंस की खरीदारी की थी, जिला स्वास्थ्य समिति को दिया था, परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में तथा दूसरा सिविल सर्जन आवास में सड़ रहा है तथा तीसरा का कोई अता पता नहीं है। नेताओं ने कहा कि एक और कोरोना वायरस महामारी में गया जिले के कई अस्पतालों में एम्बुलेंस के अभाव के कारण कितने परिजन गंभीर बीमार होने पर रिक्शा ठेला खाट पर अस्पताल ले गए, कितने मृत व्यक्ति को ठेला से शमशान भेजा गया, तो दूसरी ओर जनता के पैसे की खरीदी हुई मिनी अस्पताल युक्त एम्बुलेंस शोभा की वस्तु बनी हुई है। नेताओं ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप हमेशा बिहार में सुशासन एवं कानून की राज की दुहाई देते थकते नहीं हैं। बिहार में इस कोरोना वायरस महामारी में पहली घटना सारण के सांसद द्वारा खरीदी एम्बुलेंस से बालू ढोया जा रहा है। बक्सर में सांसद केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक ही भाड़े के एम्बुलेंस का बार बार उद्घाटन किया जा रहा है। सिवान, जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जी का जिला है, वहाँ 7 लाख का एम्बुलेंस 21 लाख में खरीदा जा रहा है। अब गया में सांसद कोटे का मिनी अस्पताल एम्बुलेंस वर्षों से चालक एवं आदेश के बिना सड़ रहा है, जिसे एक सूत्र में बिहार एम्बुलेंस प्रकरण की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की कृपा करे। और खाट से बीमारी लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। कई एक जगहों पर ऐसा दृश्य आया है कि लाशों को भी ठेले के द्वारा शमशान घाट पहुंचाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में करोड़ों रुपए का चलंत मिनी अस्पताल, जो कि 2 वर्षों से कबाड़ की स्थिति में है, जैसा विश्वास सूत्रों से पता चलता है कि ऊपर से तो पूरी तरह से खुले में रहने के चलते जर्जर हो गई है, लेकिन अंदर का मशीनरी सब ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब, जो लगातार एम्बुलेंस प्रकरण चल रहे हैं, जैसे सारण के सांसद के द्वारा दर्जनों एम्बुलेंस जो खड़े मिले जिनसे बालू ढोने की बातें सामने आई, बक्सर के सांसद व केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी के क्षेत्र में जो लगातार एक ही एम्बुलेंस को बदल बदल करके उद्घाटन किया जा रहा है, तीसरा सिवान जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का जिला है, वहां 7 लाख का एम्बुलेंस को 21 लाख में खरीदने की बात आ रही है, और अब गया में ऐसी बातें सामने आई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करना चाहेगी कि आप हमेशा सूबे में कानून की राज और सुशासन की बात करते हैं, इसलिए इस कोरोना वायरस महामारी में जो लगातार बिहार वासियों के दिल और दिमाग में, जो कई एक जिलाओं में एम्बुलेंस के बारे में तरह तरह की भ्रामक बातें आई है, इसे दूध का दूध पानी का पानी शुद्ध रूप से जांच कराने के लिए और आप अपने बातों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस प्रकरण को सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करें। जय हिंद, जय बिहार की जनता।